हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैनरा बैंक में। यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन क्या हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2.98% का पॉजिटिव मूव। 581.05 पे हमें मार्च 20th को क्लोजिंग जो देखने मिल रही है। क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाले उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है ज़रूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे थर्सडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है ज़रूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा जाते हैं मंडे के चार्ट में। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि यहाँ पे आपको समझ आए किस तरह का मैं मोमेंटम जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई भी यहाँ पे वीडियो पे स्किप ना करें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिलहाल वॉल्यूम की, ये रहा हमारा वन डे का चार्ट। वॉल्यूम अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हमें ज़रूर वॉल्यूम देखने मिल रहा है। यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी ज़रूर बने, ऊपर के साइड में छोटी सी विक भी देखने मिल रही है। आरएस हमारा आ चुका है अराउंड 58-59 के आसपास, जो स्लाइट एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस हर एक चीज़ में मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे जो है मंडे के लिए बताऊंगा। फिलहाल स्टॉक में ट्रेंड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। फिलहाल आने वाले दिनों के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक पॉजिटिव मूव अराउंड यहाँ पे 588 के आसपास, उसको भी क्रॉस करता है मोमेंट हमें इजीली 602 तक आते देखने मिल सकती है। तो कुछ इस तरह का मोमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए 1 आवर के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने मिलने वाला है मंडे के दिन। तो ये रहा हमारा 1 आवर का चार्ट। 1 आवर का चार्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हमें ज़रूर जब मार्क करने होंगे। तो फिलहाल जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर लें, क्योंकि ये मार्किंग्स बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने यहाँ पे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग्स भी जो कम्प्लीट हो चुकी है, जूम करके मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग हमारी हुई है यहाँ पे आ रहा हूँ 582.25 के आसपास। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 579.85 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 584.15 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप ज़रूर देख लें, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता 576 का, उसके बाद क्या था 572 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 587 का, उसके बाद का था 590 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं ज़रूर जब उसी को कंसीडर में रखते हुए अपना यहाँ पे मंडे के दिन का ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन मंडे के लिए अगर मैं कहूँ तो ज़रूर एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड है। 576 लेके 579 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिलते हैं, यानी कि इस रेंज में मेरी क्लोजिंग की नेगेटिव साइड में जो एक्सपेक्टेशन है
बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद रिवर्सल हमें आ सकता है, यानी कि गैप अप ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिर हमें रिवर्सल में स्टॉक नेगेटिव क्लोजिंग दे सकता है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।